दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव की ही भक्ति करके मंत्र साधनाओं और तंत्र साधनाओं के बल पर उसने संपूर्ण नौ ग्रहों को ही अपना दास बना लिया था, बल्कि सोने की लंका का राजा बन गया था। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने तो अपने काल को ही कुएं पे लटका दिया था, क्योंकि उसे तंत्र में सबसे पहला साइंटिस्ट बताया जाता है। उसी ने वायु विमान का आविष्कार भी किया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रावण को तांत्रिक रावण कहा जाता है, जो कि तंत्र में विश्व विख्यात था और पल भर में ही जो चाहे कर सकता था। उसे माया पर विजय प्राप्त थी, यही कारण था कि वह हमेशा हंसता रहता था और उसके 10 सर थे। इसी के कारण वो सामने वाले व्यक्ति को अपने 10 सिरों के माध्यम से ऐसी माया रचता था कि सामने वाले की 10 दिशाएं ही ब्लॉक कर देता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि रावण द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे खास प्रयोग, ऐसे कुछ खास मंत्र हैं जिसको अगर कर लिया जाए तो धन की परेशानी तो समाप्त होती ही है, बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह एकदम रामबाण और अचूक है। तो ध्यान से संपूर्ण वीडियो को देखकर इस जानकारी को प्राप्त करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, भगवान शिव को नमस्कार करें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शिव की भक्ति के लिए रावण ने एक खास महल बनवा रखा था जिसमें केवल वही प्रवेश करता था और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान शिव से साक्षात बातें करता था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रावण एक लेखक भी था, एक ज्योतिष आचार्य भी था, एक ब्राह्मण भी था, पंडित भी था, तांत्रिक भी था और एक बहुत बड़ा संगीतकार भी रावण को कहा जाता है। यानी कि वीणा बजाने का वह इतना शौकीन था कि पूरे दिन ही वह वीणा बजाता रहता था। जब भी उसे खाली समय मिलता था तो केवल वीणा बजाते हुए ही अपने खाली समय को व्यतीत वह करता था। और ये भी कहा जाता है कि जब भी वह वीणा बजाता था तो संपूर्ण देवी देवता उसकी वीणा के स्वर में, उसके संगीत में इतने मोहित हो जाते थे कि भगवान शिव तो स्वयं आकर वहीं पर तांडव करने लग जाते थे। तो यही कारण है कि उसके बताए हुए जितने भी प्रयोग होते हैं वे बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, खास होते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण चीजों में जानकारी रखता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कोई खास मनोकामना है या आप चाहते हैं कि धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त हो, धन के सभी ब्लॉकेज आपके जीवन से हट जाए, तो आपको दो अलग अलग क्रियाएं करनी है। यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए अलग तरह से किया जाता है, वहीं दूसरी ओर धन प्राप्ति के लिए अलग तरह से किया जाता है। पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि आपकी एक मुट्ठी में जितने चावल आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चावल जिस पर कवर लगा हुआ होता है उन्हीं चावलों का केवल इस्तेमाल आपको करना है। वैसे चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो छिले हुए होते हैं, जो घर में खाते हैं, उन चावलों का प्रयोग इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मूंजी वाले चावल उन्हें कहा जाता है, वही चावल आपको लेने हैं। रोज मात्र एक मुट्ठी में जितने चावल आपके आते हैं अपने घर से मुट्ठी भरकर लेकर जाना है और इस मुट्ठी को मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ही खोलना है, और यह केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। लगातार 41 दिन अगर आप ऐसा करते हैं, वैसे तो बहुत जल्दी ही इस प्रयोग को करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन 41 दिन करने से भगवान शिव की गुप्त और खास शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनकी खास विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये भी बता दें कि यही एक खास क्रिया है कि आपको अपने घर से मुट्ठी भर के चावल लेकर जाने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में केवल इसको करना है। बीच रास्ते में किसी से भी आपको बात नहीं करनी है, एक हाथ में एक लोटा जल आपको ले लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर आप बस लोटा जल चढ़ा दें। ये ऐसा संपूर्ण तंत्र प्रयोग है जो भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति कराता है और इतना सरल है, बस इसमें थोड़े डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है और ये डेडिकेशन भगवान शिव के भक्तों में ही मिलता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो ऐसे ही इन चीजों को करते ही रहते हैं। लेकिन ये जो खास क्रिया हमने आपको बताई है कि मुट्ठी केवल शिवलिंग पर ही जाकर फिर घर से बंद करके खोलनी है। अगर आप चाहते हैं कि धन के लिए विशेष रूप से इस प्रयोग को किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको मुट्ठी में एक इलायची भी बंद करके रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को किया जाए तो फिर आपको लौंग रखनी है। अब आपको ये भी बता दें कि हाथ की जो मुट्ठी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा विशेष शक्तियां मौजूद रहती है, बल्कि जो लोग रेकी के बारे में जानते हैं, एनर्जी हीलिंग के बारे में जानते हैं, वो केवल हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को हील करते हैं। क्योंकि इंसान के शरीर में जितने चक्र होते हैं वह संपूर्ण 7 चक्र उसके हाथ में विराजमान होते हैं, बल्कि उसके जो कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो भी केवल
उसके हाथ में ही विराजमान होते हैं। तो आप ये समझ लें, इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन आपने कर लिए हैं। ये इसके पीछे का विज्ञान है जो हम अपने हर वीडियोस में हर एक चीज खास तरीके से आपको बताते हैं, जिससे आप ज्ञान की अद्भुत प्राप्ति कर सकें और सीख सकें कि किस प्रकार यह सभी चीजें होती हैं। इसीलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखा करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। क्योंकि ये जानकारी इतनी खास है कि जब आप खास जानकारी को जानते हैं तभी केवल खास प्रयोग आपके लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हाथों में संपूर्ण 7 चक्र होते हैं, संपूर्ण ग्रह मौजूद रहते हैं, बल्कि सिर्फ हाथों को देखकर ही किसी भी व्यक्ति की किस्मत का भी पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों के हाथ थोड़े खुरदुरे होते हैं या जिन पर धारियां बहुत ही ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो ऐसे लोगों की किस्मत थोड़ी कमजोर होती है। वह अपने पूरा जीवन ही मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन जिस चीज को वह चाहते हैं उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और उनकी एक खासियत ये भी होती है कि वो तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी उनके लिए नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हाथ कोमल होते हैं, थोड़े से लाल गुलाबी होते हैं और उसकी हथेली थोड़ी उभार लिए हुए होती है, तो ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत ज्यादा धनी और बलवान होता है। वह जिस भी चीज में हाथ डालता है उसे निश्चित सफलताएं मिलती हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो आपको अपने दोनों हाथ कुछ देर के लिए शिवलिंग पर रख देने चाहिए और उस समय आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लड़कियों को ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके 7 चक्र हैं, जो आपका ऑरा है, जो आसपास आपके नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, उसे शिवलिंग सोख लेता है और आप में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इसी खास क्रिया को खास ब्रह्म मुहूर्त पर करने से व्यक्ति धनवान तो बनता ही है, बल्कि ज्ञानवान भी बन जाता है। आपको ये भी बता दें कि जो व्यक्ति धनवान होता है तो उसके धन को तो छीना जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसे किसी भी प्रकार से उसके ज्ञान को नहीं छीना जा सकता है, बल्कि अगले जन्म में भी वे उसी ज्ञान के साथ जन्म लेता है। इसीलिए ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति और सुख कहा जाता है। इसके बल पर इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्म मुहूर्त में रावण रोज इसी क्रिया को करके ज्ञानवान बन गया था। आपको ये भी बता दें कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड का कुछ खास कनेक्शन होता है, जिसमें शक्तियों का संचार होता है। यानी कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्मांड से शक्तियों को प्राप्त करती हैं। तो अगर शिवलिंग पर ही हाथ रखकर इस प्रकार ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण किया जाए और रोज किया जाए, तो फिर ऐसी कोई भी मनोकामना उस व्यक्ति के लिए नहीं होती है जो उसकी पूरी ना हो। यह इतनी ज्यादा खास क्रिया है कि जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार केवल आप करते हैं तो निश्चित ही अगले दिन से इसके प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहला लाभ तो इसका आपको ये मिलेगा कि जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे, इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, उस दिन आप खुद नोटिस करें कि कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई भी दुख आपको पकड़ नहीं पाएगा। इस संसार में तो दुख हर जगह मौजूद है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस दुख को कुछ भी ना समझे उसे केवल ज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि अगर आपने दुख को मन से हरा दिया तो फिर वह दुख आपको पकड़ ही नहीं सकता है। और अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को अपने दिमाग में भरते हैं तो यही काम यह क्रिया करती है, यानी कि आपके संपूर्ण 7 चक्रों को बैलेंस करती है, क्लीन करती है और आपका जो ऑरा है उसको रिपेयर करती है। पहले दिन से इसके प्रभाव मिलते हैं और उस समय जिस समय आप हाथ रखेंगे तो उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप केवल बस अपनी मनोकामनाओं को रोज बोलकर आ जाया करें। फिर आपका चाहे कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी कितने भी बड़े संकट में ही क्यों ना हो, फिर हर प्रकार से मदद प्राप्त होती है। ये भी बात आप ध्यान रखें कि इस संसार में जितने भी गण हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वह केवल भगवान शिव के ही भक्त हैं। और जो सिर्फ भगवान शिव की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सभी गण सहायता करते हैं, पितृ सहायता करते हैं, कुल देवी कुल देवता जितने भी तांत्रिक देवियां हैं उसकी सहायता करती हैं। और ओम नमः शिवाय को तो महामंत्र कहा जाता है, लेकिन काफी लोगों को इसकी क्रियाओं का पता नहीं होता है, इसीलिए काफी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे हाथ रखते हुए, ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आप खुद ही इस चमत्कार को देखेंगे कि आपको ऐसा अद्भुत प्रतीत होगा कि कुछ ना कुछ शक्ति आपको निश्चित ही प्राप्त हो रही है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद करके इसको देखेंगे। तो ये देखें कि कितनी सरल सी क्रिया है, लेकिन इसमें कितना गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है।
तो आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे जानकारी आपको समय पर मिला करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।